हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी इंजन का टॉर्क और पावर का परफॉर्मेंस क्या रहता है, तो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा और उसका परफॉर्मेंस कैसे वैरी होता है अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड, ये भी हमने स्टडी किया। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल इंजन के कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा कि TW इज इक्वल टू टॉर्क एट द ड्राइविंग व्हील, मतलब व्हील पे एग्जैक्टली कितना टॉर्क रहता है उसको हम बोलते हैं TW। जी मतलब ओवरऑल गियर रेशो, जो गियर बॉक्स लगता है व्हीकल में, प्लस फाइनल ड्राइव मतलब डिफरेंशियल, ये दोनों का लीवरेज हम कंसिडर करेंगे, मतलब उसका गियर रेशो प्लस फाइनल ड्राइव का गियर रेशो ये कंसिडर करके टोटल गियर रेशो व्हीकल में कितना है ये हम जी में देखते हैं। उसके बाद इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन, ये गेयर बॉक्स और डिफरेंशियल ये तो कभी 100% पावर ट्रांसमिट तो नहीं करेंगे, उसमें भी कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, कुछ अनदर मैकेनिकल वेयर होगा, वो उसकी वजह से भी उसका इफ़िशियंसी कम ज़्यादा होते रहता है, तो उसका भी इफ़िशियंसी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। तीसरा है TE, मतलब मीन इंजन टॉर्क, मतलब इंजन का टॉर्क क्या है ये हम TE से डिनोट कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हील टॉर्क इज इक्वल टू गियर बॉक्स इंटू गियर बॉक्स इफिशियंसी इंटू इंजन टॉर्क। और हमने पहले भी देखा है कि पहले स्लाइड्स में कि ब्रेक पावर क्या रहता है, ब्रेक पावर ये रहता है कि 2πNTE/60। तो हम TE को इस इक्वेशन से TE को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्रेक पावर इंटू 60/2πN, जो कि ब्रेक पावर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, TE इधर शिफ्ट हो गया, तो वो हिसाब से ये इक्वेशन 3 बनता है। तो ये इक्वेशन TE, उसके बाद हम देखेंगे कि टॉर्क अट्रैक्टिव टॉर्क एट द ड्राइविंग व्हील, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू रेडियस। जैसे हमें पता है कि टॉर्क का जो डेफिनेशन है वो है फोर्स इंटू रेडियस, तो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू व्हील रेडियस, आर का मतलब यहाँ पे व्हील रेडियस हो गया। तो फिर उसके हिसाब से F इज इक्वल टू TW/R, और हमने यहाँ पे भी देखा है कि TW इज इक्वल टू जी इक्वेशन 1 भी देखा है, तो हम ये इक्वेशन 1 कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 4 के साथ। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि F इज इक्वल टू TW/R इज इक्वल टू G इंटू ट्रांसमिशन इफिशियंसी बाय TE इज बाय डिवाइडेड बाय R। तो इसी तरीके से हम ये छठा इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे G मतलब गियर बॉक्स रेशो इंटू ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंटू ब्रेक पावर इंटू 60/2πNR, मतलब हम फोर्स, तो ये फाइनल हम फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इसमें जो है कि इंजन RPM और व्हीकल स्पीड ये टोटली डिपेंड है गियर बॉक्स रेशो पे, हमने हम कौन से गियर बॉक्स का गियर, हम गियर बॉक्स में अलग अलग गियर रहते हैं उसमें से हम कौन से गियर बॉक्स रेशो कंसिडर करके कैलकुलेशन कर रहे हैं ये डिपेंड रहता है, ये इंजन और इंजन RPM और व्हीकल स्पीड डिपेंड रहता है गियर बॉक्स रेशो पे। तो इसके बाद हम निकालेंगे कि RPM, व्हील का RPM क्या रहेगा। तो व्हील का RPM हमें पता है कि 60V/2πR, उसमें 2πR ये व्हील का सरकमफेरेंस होता है, तो व्हील का RPM रहेगा स्पीड डिवाइडेड बाय व्हील का सरकमफेरेंस बाय इंटू 60। तो इसमें V हो गया व्हील सरकमफेरेंस इंटू N/60G, उसके इसलिए ये आठवां इक्वेशन बनता है V इज इक्वल टू 2πRN/60G। उसके बाद देखेंगे कि V को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे,
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60 × 60/1000 कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनता है 2 πr × 60 × n/1000 g। तो उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि v डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 2 πr × 60/1000 g। तो इसी प्रकार के हम इंजन कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आप ये स्क्रीन का स्क्रीन ये कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी ले सकते हो। इसमें यह स्टेप का सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है, हमें बस स्टेप वाइज इक्वेशन निकालनी है और वो कंबाइन कंपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एफ निकालते टाइम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को मिक्स करके ये 6 इक्वेशन हमारा डेवलप हुआ। तो इसी प्रकार के ये इंजन के कैलकुलेशंस है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंजन पावर एस्टीमेट होने के बाद कि और कौन से रेजिस्टेंस हमें कंसिडर करने हैं इंजन का पावर एस्टीमेट करने के टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।